दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप सभी का स्वागत है टॉपिक से स्नैप शॉट के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे वो हो बिट कॉइन चाहे वो हो अल्ट कॉइन, कब आखिरकार कब वो अपना ऑल टाइम हाई रीच करेंगे या फिर अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे? तो दोस्तों, ये हो सकता है एक बिटकॉइन का सवाल या फिर हो सकता है लाख रुपए का सवाल। सभी लोग इसी कारण अभी परेशान हैं और देख रहे हैं मार्केट का इतना बियरिश सेंटिमेंट जो चल रहा है। तो इसमें ये सवाल जरूर सभी के मन में आ रहा होगा कि वो 2017 का जो फेज था वो हमको कब वापस देखने को मिलेगा, या फिर जो भी कॉइन्स है जो हमने होल्ड कर रखे हैं कुछ एक साल से, डेढ़ साल से, जो भी पीरियड्स आपने होल्ड करें, उसमें एक नया ऑल टाइम हाई या फिर उस जो पुराना ऑल टाइम हाई है उसके नियर तक कब तक हमको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस करी है प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग और जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि ट्रू भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, क्योंकि सेंटिमेंट्स चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, तो जो चीज़ें हैं वो भी बदलेंगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी यह है कि जैसा पहले हुआ है वैसा यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि हम लोग चार्ट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो भी प्योरली इसी के बेसिस पे होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आता हूँ और वहीं पर आए सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये दोस्तों एक बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे लगी है जिसका नाम है मिसारी। आप इसको डाल सकते हैं misari.io करके और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे जो कॉइन्स हैं कॉइन मार्केट कैप में उनके बारे में डिटेल में पता पड़ जाएंगी चीज़ों को। तो इस जो साइट है इसको ऑनचेन एफएक्स भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल में नाम चेंज कर लिया जिससे कि अब इनका नाम misari.io हो चुका है। तो आप misari.io या ऑनचेन एफएक्स कुछ भी डालेंगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पे आपको हर कॉइन की डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई कितना था, कितने दिन लगे थे या जो भी डिटेल्स हैं उन सबको। तो जैसे हम सपोज करते हैं कि हमें बिटकॉइन का एक बार ऑल टाइम हाई देखना, तो हमने बिटकॉइन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे दोस्तों इसकी सारी वैल्यूएशन आ गई कि बिटकॉइन का जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है वो था $20,089 और अभी ये वहाँ से 78% डाउनवर्ड चल रहा है। तो ये दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ऐसा ही कुछ लेवल चाहते हैं जहाँ पे कि आप एक बॉटम लाइन पे बाय कर सकें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि ये वापस ऑल टाइम हाई कब करेंगे? सिमिलर तरीके से अगर आपको यहाँ पे और भी डिटेल्स चाहिए तो आप देख सकते हैं, आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं मार्केट कैप के साथ कि मार्केट कैप हमें क्या बताता है इस प्रीवियसली चीज़ों के बारे में। तो अगर मैं ऐसे ऑलमोस्ट एक साल पुराना पार्ट पे चलते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ इस पार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक साल पुराने पार्ट पे, तो यहाँ पे जो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन थी, जो कि मार्केट यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई थी, तो उस टाइम मार्केट में इतना फंड नहीं था। सॉरी, इसको हम लोग नॉर्मल कर देते हैं वापस से हॉल पे। तो मार्केट ने जो पहला अपना पंप लिया था वो लिया था ऑलमोस्ट 2014 के अंदर और मार्केट यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई थी 2012 से। अगर हम देखें तो 2012 में कुछ 1 मिलियन या 1 बिलियन की मार्केट कैप थी और उसके बाद ये 2014 में आते आते 10 से 12 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप बन चुकी थी। और उसके बाद दोस्तों फिर से मार्केट स्टडी हो गया था और यहाँ पर जो थी ये 25 के बीच में स्ट्रगल कर रही थी और उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट में एक सडन पंप आया उसने इस मार्केट को 800 बिलियन डॉलर तक यहाँ पे पहुँचा दिया था। तो ये जो दोस्तों पूरा पंप आया था, अगर हम इसका टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो ये आया था दोस्तों 2017 के अंदर और ये हुआ था मई से लेकर जनवरी के 2018 के जनवरी तक। अब अगर हम सिमिलर बात करते हैं कि अब मार्केट कब उठेगी, तो यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आप सभी को पता होगा बिटकॉइन का कि ये बिटकॉइन हर 4 साल में हाफ हो जाता है, यानी कि उसकी जो सप्लाई होती है वो और ज़्यादा हाफ होती है। अभी अगर हम करेंटली बात करते हैं 2018 की, तो यहाँ पे जो उसका ब्लॉक साइज है वो है 12.5 MB का, जो कि अगले साल अगले मतलब 2020 में यहाँ पर घट के होने वाला है 6.5 MB का। तो ये दोस्तों उसकी डेट है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पर 23 मई 2020 और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है 8:00 बज के
13 मिनट 13 मिनट के आसपास। तो दोस्तों ये वो टाइम होगा जब बिटकॉइन यहाँ पे हाफ होगा, और प्रीवियसली जब ये हुआ था पिछले बार तो ये हुआ था 2016 में, जिससे कि हमको 2017 के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी जिसने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो अगर ये 2020 के अंदर अपनी चीज़ों को हाफ करने वाला है जो कि 23 मई को होने वाली है, तो इन द सेंस 2021 के अंदर जाके एक नया ऑल टाइम हमको देखने को मिलेगा। और जितने भी कॉइन्स हैं जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन कैश या जो भी नए कॉइन्स भी आ रहे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो भी अपना ऑल टाइम हाई उस टाइम बना सकते हैं। और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात है वो हम ये कह सकते हैं कि जब भी इसका रिलीज आती है, जैसे हम सब जानते हैं कि जब भी किसी का फॉक होता है या फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है उससे पहले से जो बाइंग शुरू हो जाती है, तो इस इवेंट के होना मतलब 2020 से पहले 2019 एक मेजर इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है जिसके अंदर इसकी बाइंग शुरू हो जाएगी, चाहे वो मास लेवल पे हो या फिर स्मॉल रिटेलर लेवल्स पे हो, जिससे कि आपको जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो कि आपको बिटकॉइन में अल्टकॉइंस पे देखने को मिला था, नियरली उस तक हम लोग पहुंच जाएंगे और 20 के बाद या फिर 20 में हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो भी पसंद तो कर देना लाइक, नहीं है तो कर देना डिसलाइक। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज को पाने के लिए, और इस चैनल के साथ बने रहें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो $15 में इस मेल आईडी pixel@gmail.com पे मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको आप जैसे पेमेंट क्लियर करेंगे मैं आपको पेड ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लूंगा। तो बस उसमें मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।